इसको ढूंढ रही थी। फुल्की, दो चार मीठी बातें करने वालों को सपनों का राजकुमार नहीं बनाया जाता। चल कुकड़ी, चल कुकड़ी छे। शुभमुहूर्तम् क्षेमम् कल्याणम् आरोग्यम् ऐश्वर्यम् निर्विघ्नेन शुभम् भवतु। बारात आ गई है, अभी हम लोग रसम की तैयारी करेंगे। कन्या की बहन को बुलाइए और इंद्रोनी की रसम पूर्ण की। कलश सर पे लेके आएगी, अरे सर पे ले, और रसम पूरी करेगी ऐसे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात सार्दिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात सार्दिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पानी का छींटा डालिए, उसके टीका कीजिए। हो गया। कन्या की माँ आगे आए अभी। और आगे की रस्म पूर्ण करें। सावित्री बहन लाइए ना, मैं कर देती हूँ। स्वस्ते दुया विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धद्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात सार्दिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
हमारे भविष्य का सर हमेशा ऊपर रहेगा। हाँ हाँ जरूर ऊंचा रहेगा, क्या करें लड़की वाले जो हैं, सर तो झुकाना ही पड़ेगा। आप? क्या बात है। अरे मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। अच्छा आपको देख के ना एक गाना याद आ गया मुझको। हाँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आपको पता है आज ना दुल्हन आप ही लग रही है। हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, किचन में जाकर महाराज को कहो कि और नाश्ता बाहर भिजवाएं। जी छोटे। ठीक है। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, बहुत काम है। लक्ष्मी हाँ, तुम अभी तक कहीं नहीं। जी जी मैं जा रही हूँ। जाओ चलो। हाँ। बेटा अब तो पेट भर के खाने के लिए दाल ही दो, खिला दो इनको। ये मेहमान नवाजी तो होती ही रहेगी। अरे खिलाइए ना। अरे खिलाओ ना, खिलाओ इनको। ओ मैं क्या जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ और खिलाइए ये भी ये भी। मेहमान है जमाई राजा है, क्यों नहीं खिलाएंगे। अरे अरे तू मुझे यहाँ घसीट कर क्यों लाया यार, बात क्या है। देख अगर तू गाना सुनाना चाहता है तो शादी के बाद आ, बाहर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। चुप कर, यहाँ भी तेरा कोई इंतजार कर रहा है। ओ देख सावन में तो जाए सावन भी तो जाए बेहरवा मन मेरा घबराए मन मेरा घबराए सोबे। मेरा और मेरी यार का काम तो हुआ और मैं चला। तुम्हारे बारे में जो मेरी राय थी वो गलत थी, मैंने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं भी शायद यही करता, शायद इससे भी ज्यादा। मैं भी झूठ और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको थैंक्स कहने के लिए भी बुलाया था। थैंक्स किस लिए? मुझे माफ करने के लिए। मैंने आपको कभी कसूरवार समझा ही नहीं, तो फिर माफी का सवाल कैसे आ गया? मतलब आप कभी मुझसे नाराज थे ही नहीं। आपसे कभी कोई नाराज ही नहीं हो सकता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना कि अक्सर लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। उन लोगों में मुझे मत शामिल कीजिए। ठीक है तो फिर मैं आपको अपने दोस्तों में शामिल करती हूँ, आज से हम फ्रेंड्स हैं।
दोस्ती करने के लिए हाथ तो मिलाना पड़ता है ना। अच्छा फिर क्या हुआ? गौरी दीदी होना क्या था, मैंने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैं वहां से भाग गई। मैं क्या करता जब वो चली गई? कुछ कहता करता तो तब ना जब वो रुकती। तुझे वहां रुकना चाहिए था। अरे कम से कम सुनती तो कि वो कहना क्या चाहता था। मुझे तो पता है कि वो क्या कहना चाहता था। मैंने पता है। ओ देखा जब से तुमको, देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा। चुप भी रही है दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच मतलब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वो भी आज ही बने हैं। हाँ दोस्ती है और कुछ नहीं, समझा? समझ गया बॉस, सब समझ गया। इस दोस्ती का मतलब सब समझ गया। हाँ ओए तो भूल क्या, आंटी जी ने बुलाया था। हाँ चल चल। अच्छा तुम वहां से भाग कर आ गई। क्यों? क्योंकि कह दिया तो क्या नमस्ते। अरे भाई साहब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। माधव काका जी मालकिन, इनके लिए कुर्सी लाए। जी अभिला। अरे बहन जी, आपने क्यों तकलीफ की? नहीं इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान के समान होते हैं। बैठ जाइए। क्या कर रही हो दीदी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम एक जगह बैठो, आराम करो। मैं हूं ना मेहमानों की देखभाल करने के लिए। देखो ना थकान की वजह से तुम्हारा चेहरा कैसे लगने लगा है। बैठो चलो। चंचल ऐसी थकान तो किस्मत वाली माँ को ही नसीब होती है। मैं चाहती हूँ आज सरस्वती के लिए जो भी कर सकूं कर दूं। इसके बाद तो वो कोई काम नहीं कहने वाली मुझसे, और वैसे भी मैंने दवाइयाँ ले ली है, अब ठीक हूँ मैं। दवा का असर तो तब होगा जब तुम उसे मौका दोगी। आराम से बैठो एक जगह। मैं हूँ ना दीदी, मैं देखभाल कर लूंगी। चलो बैठो, आराम से बैठो, चलो चलो वहां पे चलते। चलो
मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है आपने। वैसे तो मैं ही आपसे कहने वाली थी, अगर कोई कमी रही हो तो माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप, हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें आपने सरस्वती जैसी बेटी दी है। लगती है और दिखाई चेहरे पे देता है। चेहरे के इस रंगत को बदलो बहना, वरना लोग तो यही सोचेंगे ना कि तुम्हें सरस्वती की शादी से जरा सी भी खुशी नहीं। तुम नहीं जानते हो रसिक भाई, आज मेरे साथ क्या हुआ है। सब जानता हूं, सब जानता हूं, इसलिए तो यहां आया हूं तुम्हारे पीछे, तुम्हें समझाने, यही समझाने बहना कि आठों पहर बसंत नहीं रहता, आज का दिन सावित्री का है, अब तुम्हारा पीछे रहना ही सही है। इस घर में सही और गलत का मतलब बदल चुकी हूं मैं, यहाँ वही सही होता है जो मुझे सही लगता है। सही और गलत का मतलब बदला जा सकता है, पर घर में, समाज में इसे बदलना थोड़ा मुश्किल है। क्या मतलब? अब समाज की नजरों में तो तुम सरस्वती की माँ नहीं, मतलब सौतेली तो सौतेली ही रहेगी। बात सगे या सौतेले की नहीं है, बात महत्व की है। महत्व, और वही तुम्हें आज नहीं मिलेगा। शादी की सारी रस्में या तो जीजाजी पूरी करेंगे या फिर सावित्री, मंडप में भी वही आगे रहेगी, कन्यादान भी सावित्री ही करेगी, विदाई भी सावित्री के ही हाथों होगी। पहली पत्नी जो है, ना मतलब मैं समाज की नजर में तो है ही ना बहना। मैं जानता हूं मेरी इन बातों से तुम्हें बहुत चोट पहुंच रही है, पर मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उन चोटों से बचाने का था जो इस शादी में आगे रहने से लोग तुम्हें पहुंचा दें। अब तुम्हें कोई भला बुरा कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? आखिर भाई हूं तुम्हारा, सगा भाई। रसिक भाई, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि महत्व मेरा ज्यादा है या सावित्री बहन का। उसे पहली पत्नी होने का जो हक समाज ने दिया है, मैं वो भी छीन लूंगी और आग लगा दूंगी उसकी इस खुशी को भी।